कैसे हो आप लोग? अच्छा, आप सभी लोग खुशी होंगे। मैं अभी कैबेज का सब्जी का रेसिपी दिखाने वाली हूँ। तो बंदा गोभी होते हैं, देखिए मैं ये बंदा गोभी को काट करके रखी हूँ, और कड़ा में मैं ऑयल डाल दी हूँ। अभी इसके अंदर मैं डालूँगी, और मैं इसके साथ बहुत सारे सब्जी भी काट कर ली हूँ। रूही मछली का सर भी फ्राई कर ली हूँ, और ये है हमारा गांव में क्या बोलते हैं, बोरी बोलता है, वो जो कलाई का व्हाइट व्हाइट एक बिरूली का डाल होता है ना, उसी से बनाते हैं। ये देखिए सब, तो वो भी मेरे को इसमें डालना है, ठीक है। ये हमारा बंगाली स्टाइल में ये बना रही हूँ मछली देके। तो चलो, अब ऑयल गर्म हो चुकी है, मैं भी इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, फोरन के लिए जो बोलते हैं जीरा। मछली फ्राई करते 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 मेरी कड़ा भी जल गया है। तो ये है, ये मैं ये जीरा देखो हो गया है, अब मैं इसमें डालेंगे तेजपत्ता है, और इसमें लहसुन छोटा छोटा करके मैं लहसुन भी कट करके रखी थी, लहसुन है, प्याज है, तेजपत्ता मैं एक ही साथ व्हाइट के अंदर डाल दूँगी। थोड़ा सा भूनना है मेरे को अच्छे से। ये है सूखा मिर्च, ये भी मैं अभी इसके अंदर डाल देंगे। वीडियो शायद थोड़ा बड़ा हो जाएंगे, पर फिर भी जैसे कुकिंग का वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाते हैं, क्या करें, दिखाना पड़ता है। फिर मैं अभी इसमें डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे। सॉल्ट तो मैं डाल दी हूँ, और टमाटो डाल देंगे। डालेंगे हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर थोड़ा सा डालेंगे, बस इतना सा डालेंगे। हमारा घर में कोई नहीं खाते है, एक मैं ही खाती हूँ ना, मैं थोड़ा सा मिर्च पाउडर डाल दी हूँ। आप लोग आपका हिसाब से डालिए, जैसे आप लोगों को अच्छा लगता है उसी का हिसाब से आप लोग मिर्च पाउडर डाल दीजिए। अब मैं मछली का सार जो मैं रखी थी वो भी मैं इसके साथ डाल देंगे भुनने के लिए थोड़ा सा, और ये मैं बाद में डालेंगे। अब मैं ये डाल देंगे कैबेज, बंदा गोभी। अब मैं इनको थोड़ा सा हिला देंगे। अभी मैं ढाल देते हैं, फिर कुछ टाइम के बाद आप लोगों को दिखाएंगे। तो देखिए बंदा को भी थोड़ा सा इधर से ढकने का बाद थोड़ा पानी भी आ गया है इसमें से। तो अब मुझे क्या करना है ना, इसमें ये जो मैं फ्राई करके रखी थी ये भी मैं डाल देंगे अभी, क्योंकि इसको भी बॉयल होना है ना। और साथ में ये हरी मिर्च ये भी डाल देंगे, और धनिया पत्ता में लास्ट में डालेंगे। तो इसमें पानी नहीं डाली हो, ये बंदा गोभी से जो पानी आ जाएंगे ना उसी से पूरा पक जाएंगे। अगर आपको चाहिए जो थोड़ा पानी चाहिए तो आप दे सकते हो, ठीक है। अभी मैं इसका सिम कम करके ढक देंगे, फिर मैं आप लोगों को दिखाएंगे कैसे बने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये पक चुकी है, सब कुछ बॉयल हो चुकी है सब कुछ। तो अभी मैं और थोड़ी टाइम इसको पकाएंगे, तो उसके पहले ये जो धनिया पत्ता है ये मैं अभी इसमें डाल देंगे, ठीक है। ये पहले तो बहुत सारे लग रहा था, अब थोड़ा सा कम हो गया इसमें।
अब सही है, खुशबू भी अच्छा आने लगे हैं। तो अब मैं इसको थोड़ी टाइम और पकाएंगे, फिर मैं आप लोगों मतलब इसको नमा लेंगे, फिर मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ठीक है फ्रेंड्स, तो बने रहो मेरे साथ, बस अब थोड़ी टाइम है। तो देखिए फ्रेंड, ये अच्छा मतलब अच्छा से पक चुकी है, मैं उधर से लेके आई हूँ। ठीक है, इधर अच्छा से दिखाई देंगे इसलिए मैं इधर लेके आई हूँ। तो आपने इसको इधर डाल के रखेंगे। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, बाय, फिर मिलते हैं आप लोगों से बाद में, बाय।